hello students today we are going to do question 16 of exercise 9.1 chapter number 9 some applications of trigonometry class and maths and this is the last question of the exercise as well as as well as of this chapter also so question 16 the angle of elevation of the top of a tower from two points at a distance 4 meter and 9 meter फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्टेट लाइन समझते हैं एंगल ऑफ द टावर फ्रॉम टू पॉइंट और दो पॉइंट मान लेते हैं एक पी मान लेते हैं क्यू मान लेते हैं एक पॉइंट पी मानते हैं एक पॉइंट क्यू मानते हैं और यहां से हम देख रहे हैं टावर को और इलेवेशन हो रहा है दोनों में और ये बनाते पहला एलिवेशन और ये और ये बनाते हम दूसरा यहां से भी हम टावर को देख रहे हैं पी से भी और क्यू से दोनों पॉइंट से हम टावर को देख रहे हैं और टावर को देखने पर कितनी कितनी डिस्टेंस पर है फोर मीटर फ्रॉम टू पॉइंट डिस्टेंस फोर मीटर है नाइन मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर टावर के बेस से फोर मीटर की डिस्टेंस पर तो ये फोर मीटर हो गया ये फोर मीटर हो गया पी पॉइंट और ये डिस्टेंस कितना हो गया ये नाइन मीटर हो गया फोर मीटर है 9 us, ये 9 हो गया। yeah. और कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मीन अगर एक एंगल थीटा है अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल होगा नाइनटी माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम कितना होगा 90 होगा अगर इसको x मानेंगे तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा तो इसको हमने थीटा ले लिया एंगल को तो ये 90 माइनस थीटा हो गया बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री और अब नेम देते हैं ए बी और ये ये होगी हाइट ऑफ तो टावर और प्रूव दैट हमें प्रूव करना है कि हाइट ऑफ़ तो टावर सिक्स मीटर होगी ये सिक्स मीटर बतानी है एच जो हमें लाना है वो सिक्स मीटर लाना है सो so, लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू अस गिवन गिवन ए बी इक्वल्स टू एच इज हाइट ऑफ टावर ये हाइट है टावर की और क्या गिवन है पी एंड क्यू टू पॉइंट है तो पी बी हमें गिवन है पी बी है फोर मीटर और बी क्यू है नाइन मीटर और टू प्रूव क्या करना है टू प्रूव करना है हमें प्रूव एच हाइट और टावर इज सिक्स मीटर हाइट टावर की हमें सिक्स मीटर बतानी है तो अगेन विल कंसिडर वन बाय वन ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ट्राइंगल ले, ले लेते हैं ये वाला तो ऑलवेज हमें दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है तो हम एक एक करके एक ट्राइंगल लेते जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं इन राइट ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल कौन सा ले रहा हैं? A, B, और P, right angle triangle triangle है हम ए बी और पी ये राइट एंगल ट्राइंगल है नाइन्टी डिग्री है ये इन राइट ट्राइंगल ए बी पी और इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस है तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या कहलाता है टेन कहलाता है तो टेन नाइनटी माइनस थीटा थीटा एंगल कितना थीटा है टेन नाइनटी माइनस थीटावल्स टू परपेंडिकुलर है एच और बेस है कितना होता है कोर्ट थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला टेन नाइनटी माइस थीटा कोर्ट थीटा कोर्ट थीटा टू एच अपॉन फोर इक्वेशन नंबर वन डाल देते हैं नाउ विल कंसिडर अनदर ट्राइंगल अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं और दूसरा ट्राइंगल पूरा लेना है अब हमें यह पूरा ट्राइंगल लेना ये पूरा ट्राइंगल अब हमें कंसिडर कर लेना फुल ट्राइंगल तो ये पूरा ट्राइंगल में क्या हमें गिवन है और क्या हमें लाना है वो हम देख लेते हैं सो लेट्स इन राइट ट्राइंगल ले लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी क्यू ए बी क्यू ले right लिया हमने पूरा ट्राइंगल ले लिया अब देखिए एच अपॉन ये कितना है नाइन है तो एच अपॉन नाइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू टेन थीटा हैं अपन कर कर सकते हैं। इस question में में क्या चीज़ है कि बाकी सारे questions में हमने दी मगर अब हमें मल्टीप्लाई करना है equation 1 और टू का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो इक्वेशन वन इन टू इक्वेशन नंबर टू का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट से लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा और राइट right से राइट right मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम क्या करते हैं एक मिनट इसको कर देते हैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू तो थोड़ा लेफ्ट को राइट लिख देते हैं राइट को लेफ्ट देते हैं क्योंकि हमें एच से एच मल्टीप्लाई करना है तो टेन थीटा इक्वल्स टू तो एच बाय नाइन इसको हम इक्वेशन टू देते हैं इसको हटा देते हैं टेन थीटा अब आप देखिए कोड से हमें मल्टीप्लाई करना है टेन को लेफ्ट से लेफ्ट और एच बाय फोर को एच बाई फोर को हमें मल्टीप्लाई करना है ये एच बाई फोर को हम एच बाय नाइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट से लेफ्ट और राइट right से राइट right. तो क्या रिजल्ट आएगा आप देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा हम कोट थीटा में मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट से लेफ्ट टेन थीटा का और h बाय फोर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने h बाय का तो लेफ्ट से कोट थीटा और यहां कितना था ये टेन थीटा था कोट थीटा इंटू टेन थीटा हो गया h बाय फोर इंटू एच बाय नाइन हो गया अब इसके आगे, आगे आप देखिए तो क्या हुआ कोट कोट को लिख सकते हैं अपन वन बाय टेन कोट को हम लिख सकते हैं वन बाय टेन इन टू ये टेन चल रहा है हमारे पास टेन h टू एच इन टू एच एच होता है थर्टी सिक्स तो टेन से ये टेन कट गया तो क्या रिजल्ट आया एच स्क्स टू ये थर्टी सिक्स वन जाच की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट ऑफ थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स का रूट क्या होता है प्लस माइनस सिक्स होता है अब आप देखिए टावर की हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती तो माइनस रिजेक्ट करेंगे तो एच की वैल्यू हाइट आ गई टावर की इक्वल्स टू कितना हो हो गया 6 हो गया मीटर और यही हमें लाना था कि टावर की हाइट हमें प्रूव करनी थी सिक्स मीटर देखिए टावर की हाइट प्रूव करनी है सिक्स मीटर और सिक्स मीटर आ गया सो दिस कंप्लीट द क्वेश्चन सो आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो